वो है पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन जो है उसके अंदर आपको कैश मार्क्स मिल जाते हैं पूरे के पूरे। कभी ये 4 मार्क का होता है तो कभी ये 5 मार्क का होता है। बोर्ड्स में एंड स्कूल में जो भी चेकर होता है उन सबको एक स्पेसिफाई जगह पर बता दिया जाता है कि ये अगर एड्रेस लिख रहे हैं तो इसके इतने मार्क्स हैं, फिर संबोधन कर रहे हैं तो इसके इतने मार्क्स हैं, मेन जो आएगा जिसमें आपको पार्ट लिखना है लेटर का उसके इतने मार्क्स हैं, और एंडिंग जहाँ पर कर रहे हैं उसका अलग से मार्क्स है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो मेन पार्ट है अगर हमें लिखना ना आए पर अगर उसका ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, स्टार्टिंग पैराग्राफ, एंडिंग पैराग्राफ, अगर उसके अंदर हम विदाउट स्पेलिंग सब कुछ घर से लर्न करके जाए तो हमारे हाथ में 5 में से 3 तो घर से ही लेके जाना बन जाएगा, और बाकी बचता है वो 2 मार्क। उसके अंदर खास फोकस करें कि अगर हमें उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स ही नहीं हो तो हमें 4.5 या फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर यही देखते हैं कि पत्र लेखन के अंदर हम किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पत्र लेखन में सबसे पहले हम ठीक तरह से एड्रेस लिखना सीखेंगे। पहले पहले जितने भी पत्र आते थे, आज भी जो पत्र है थोड़ा बहुत फॉर्मेट में चेंजेस हुआ है, पर पत्र में हमेशा जो लिखने वाला व्यक्ति है यानी कि मैं महेंद्र जोशी, अगर मैं पत्र लिख रहा हूँ तो मेरा हमेशा एड्रेस राइट हैंड साइड में ही आएगा, और हमेशा एड्रेस ऐसा लिखो जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। ज़्यादातर मैं इस तरह से लिखवा देता हूँ, दैट इज़ 101 रामनगर फिर कॉमा श्याम नगर नी पासे कॉमा भटार रोड कॉमा सूरत 395001 25 मई 2015। अब ये हमारा एड्रेस यानी कि हमारा 1 मार्क हो गया। देखो अगर मैं चाहता तो मैं आपको सोसाइटी, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स ऐसा वर्डिंग देता, पर आपका सोसाइटी एड्रेस और कॉम्प्लेक्स लिखने बैठोगे तो वहाँ पर तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाएगी। रामनगर की जगह आशीर्वाद एंक्लेव ऐसा लिखने बैठोगे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाएगी। भटार रोड वो इजी पड़ेगा, भटार उदना मगदल्ला रोड, आप ऐसा लिखने बैठोगे दिक्कत आएगी। घोड़ दौड़ रोड में ग की जगह ग हो गया तो प्रॉब्लम आएगा। एंड सूरत इसलिए क्योंकि छोटा सा वर्ड है 395001। एंड खास ये याद रखना है कि जो पिन कोड होता है वो ज़्यादातर 6 डिजिट का होता है, एंड गुजरात के सारे पिन कोड नंबर 3 डिजिट से मतलब 3rd नंबर से स्टार्ट होता है, लाइक 395001। एंड जो हम डेट डालेंगे डेट के अंदर आप 0103 एंड 2015 16 17 आप ऐसे डाल सकते हो, पर अगर हो सके तो ये फॉर्मेट को आप गारंटेड यूज़ करें, दैट इज 25 मई 2015। इस तरह से लिखा जाना है जिसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, नंबर्स हमेशा इंग्लिश में लिखे लाइक 101 395 001 ये सारे वर्ड हैं। तारीख में भी हो सके तो इंग्लिश नंबर का ही प्रयोग करें, पेंसिल के पहले एक सीधी सी लाइन खींच ले ताकि ये जो आपका जो लिखने का ढंग है वो एकदम सही लगे। अगर आपने रामनगर नी पास से वो आपने नीचे ले लिया तो थोड़ा खराब लगता है, तो उस हिसाब से पेस बनाए रखें, पेंसिल की एक सीधी लाइन खींचे और एड्रेस सही ढंग से लिखे। अंत में तारीख में लिखे कि कहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर हाइफन का इस्तेमाल करना है, ये भी अच्छी तरह से देखें। और इसके बाद हमें आदर सम्मान के साथ हमें पत्र को आगे बढ़ाना है। तो ये हमारा 1 मार्क हमने कैश पेमेंट कर लिया। अब आगे हम क्या लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे सामने वाले के बारे में जानकारी। अगर जैसे हमारे बड़े हैं लाइक गुरुजी है, मामा जी है, चाचा जी है, हमारे पिताजी है, तो हमारे बड़े हुए और बड़े होते हैं तो उसको हमें रिस्पेक्ट के साथ लिखना पड़ेगा, लाइक पूज्य, आदरणीय, मुरब्बी, माननीय। तो यहाँ पर जो मैं वर्ड दिए ना उसको ध्यान से आप देख लो, पूज्य में पू बड़ा आता है, आदरणीय में ई बड़ी आती है, माननीय में, तो ये वर्ड आपको बस अच्छी तरह से लर्न करना है। पूज्य तो आपने लिखा पूज्य दादाजी, पर पूज्य में पू छोटा कर दिया, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, हम वहाँ पर सर्कल करेंगे और आपका 1/2 मार्क काट लेंगे, 1/4 मार्क काट लेंगे। सो बेटर है ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए।
आपके अगर हम उम्र के हैं लाइक प्रिय मित्र प्रिय सहेली, तो प्रिय में प्री इस्तेमाल करते हो छोटी आनी चाहिए, मित्र में मी छोटा आना चाहिए, सहेली में ली बड़ी आनी चाहिए, प्रिय सखी प्रिय संजय। पर अगर आपसे छोटे हैं, अगर आपका छोटा भाई है छोटा कजिन है, तो ची राजू ची मंथन वालो भाई संजय वाली बहन मीना एंड उसके बाद कॉमा। उस तरह से ची जो है, ची का होता है दैट इज चिरंजीवी, तो लंबा समय तक जिए, इज अ शॉर्ट फॉर्म इज अ ची, ची छोटा रखना चाहिए एंड डॉट फुल स्टॉप। जैसे हम मिस्टर में एम आर लिखते हैं, उसी तरह से हम इसके अंदर चिरंजीव में ची डॉट राजू के बाद कॉमा, बहन है तो लीना है हीना है, ऐसा नाम लिखो जो इजी आपको यूज हो जाए। अब उसके बाद उसका अभिवादन करना पड़ेगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो खासकर ये संबोधन का इस्तेमाल करें। अगर आपसे बड़े हैं तो उसको लिखो सादर प्रणाम, सप्रेम नमस्कार, सादर नमस्ते। अगर आपके हम उम्र के हैं तो अभिनंदन शुभेच्छा, खूब खूब अभिनंदन, जन्मदिवस की शुभकामना। और अगर आप सबसे छोटे हैं तो खुश रहो, भगवान तने लंबी आवरदा दे, मतलब तुम्हें लंबी उम्र दे, आयुष्मान भव, इस तरह से का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना होता है, इसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में नॉर्मली हम जब लेटर लिखने बैठते हैं, कैसे हो, तू अच्छा होगा, खाना खाया क्या, मैंने खाना खा लिया, इधर बारिश है वहाँ पर भी बारिश होगी, तो आप कोई मोबाइल में या टेलीफोन में बात नहीं कर रहे हो, आप ऐसा लिखो भाई तुम्हारा पत्र आया तो मैंने पत्र लिखा, लाइक एक फॉर्मालिटी, पर एक व्यवस्थित तरीके से होनी बहुत ज़रूरी है। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, वाचीने आनंद थयो, तारी कॉलेज कॉलेज में तने चित्र स्पर्धा में द्वितीय नंबर प्राप्त थयो छे ते जाणीने खूब ज खुशी थई। बस आवी ज रीते हमेशा तू तारा माता पिता अने तारू नाम रोशन करतो रहे, एवी भगवान पासे प्रार्थना। ते मारी पासे रक्तदान विषयनी जानकारी मांगी हती, या पत्र में आप ही रही हो छो, तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ बन जाता है। लाइक ऐसा ही आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 दिवस पहला तारो पत्र मळ्यो, आनंद थयो, तारी शाळा में तारो प्रथम नंबर आव्यो, भगवान तने आवी रीते प्रगति आपता रहे, तो जीवन ना सफलताना शिखरो सर करता रहे, ते मारी पासे वृक्षारोपण की जानकारी मांगी आप ही, ते हम आप ही रही हो छो। तो दैट इज फर्स्ट पैराग्राफ। और यहाँ पर हमने अपने 2 मार्क्स 100% कवर कर लिए हैं। नाउ इसके बाद जो आता है वो है मेन पैराग्राफ की, यानी कि मुख्य पैराग्राफ की बारी। इसमें आपको सोच समझ कर कम से कम शब्दों में कम भूल हो इस तरह से लिखना है, भूल कम होनी चाहिए। सबसे पहले तो टॉपिक का विषय समझना जरूरी है, कभी कभी टॉपिक कुछ और होता है और लिख देते हैं हम कुछ और, तो ये नहीं होना चाहिए। आप कुछ और लिखे तो फिर शायद तक आपको बहुत नुकसान या फिर मार्क्स ही ना मिले। हाँ, ज्यादा लिखना जरूरी नहीं है ये याद रखिए, पर टॉपिक को आप ध्यान देते हो, कितना न्याय देते हो, ये जरूरी है। टॉपिक को छोड़कर और बातों को लिखना अच्छा नहीं है। कम से कम पैराग्राफ में आपको 10 या 12 वाक्यों से योग्य न्याय उस टॉपिक को देना चाहिए। पैराग्राफ लिखने के बाद आपको ठीक तरह से उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना चाहिए, और ऐसे ही वर्ड का इस्तेमाल करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो शब्दों का आपका भरोसा हो। ऐसा एक भी शब्दों के इसके अंदर एंट्री ना दे लेटर में जिस स्पेलिंग पे आपको भरोसा ना हो। और फिर अंत में आपको नीचे दिए गए सही तरह से मान सम्माननीय तरीके से एंडिंग पैराग्राफ करना है। अब जो एंडिंग पैराग्राफ करेंगे उसके अंदर तारा दादा दादी ने हमारा प्रणाम कीजिए, तारा माता पिता ने हमारी याद आप जे, अब दादा दादी माता पिता काका काकी नाना नानी मासा मासी, ये सारे स्पेलिंग भी सही होने चाहिए। अब ये सब बड़े हैं तो उसको नमस्कार वंदन प्रणाम याद। अब स्पेलिंग ये लर्न कर लो कि नमस्कार कहाँ लिखना है, नमस्कार नहीं आता तो प्रणाम ले लो वर्ड, वो लर्न नहीं होता तो आप याद ले लो। पर अगर आपसे छोटे हैं तो नाना भाई या बहन हो तो उसको राजू राम लीला ईना सीता इन्हें प्रेम स्नेह प्यार जो देना आप दे सकते हो। पेंडिंग पैराग्राफ पर ये खास याद रखें कि आप पिताजी को लिख रहे हो, फिर आप वापस से उसके एंड में लिखोगे तारा माता पिता ने याद आप जे, तो शायद ये गलत हो जाएगा।
ये चीज़ को याद रखें। अंत में नीचे तीन लाइन आती है, लिखितन अपनो अग्निकित पुत्र अ ब क प्रगर नाम दिया है, राजेश महेश को लिख रहा है और महेश राजेश को लिख रहा है, तो अच्छी तरह से उन लोगों का ही नाम वहाँ पर बताए जो इसके अंदर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था पत्र लेखन। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दैट इज़ माधव लैंग्वेज क्लासेस, और मैं महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।